ऑलराइट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने न्यू चैप्टर जो पढ़ा था, द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग पहले सीख चुके थे। कल हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवीजन पढ़ेंगे आज। ऑलराइट, मल्टीप्लिकेशन एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, एग्जांपल से समझाती हूँ। ये हमारे पास फोर बोल्स हैं। फोर बोल्स में सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है बेटा, वो होता है क्रॉस साइन। ठीक है, क्रॉस साइन, क्रॉस या एक्स बोल सकते हैं हम, कि एक्स वाला या क्रॉस वाला जो टाइम वो होता है साइन, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक, यहाँ एग्जांपल देखिए, ये फोर बोल्स हैं हमारे पास और हर बोल में आप देख रहे हैं देर आर टू फिशेज इन ईच बोल। ठीक, हर बोल में टू फिश हैं। अब हम इसको, अगर हमें निकालना है कि टोटल फिश, मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए टोटल फिश कितनी है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से काउंट करेंगे ना। लेकिन इसका इजी मेथड क्या है जिससे ये जल्दी सॉल्व हो जाए, हम देखिए हर बोल में 2 2 + 2 + 2 + 2 = 8 हमने इस तरह काउंट किया। ठीक, तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, 4 times of 2, या हम बोले 4 times 2 is 8। देखिए, फोर फिश बोल्स, बोल जो हैं वो फोर हैं, सब में टू फिशेस हैं, तो टोटल क्या हो गई, 8 fish, 4 times is 2। अब हमें किस तरह इसको, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो 8 आएगा। इसको हम किस तरह रीड करेंगे, 4 multiplied by 2 is 8, 4 times of 2 it is 8, 4 2s are 8। ठीक है, इसके 3 वेज हैं हम इसको रीड करने के। ठीक है, सेकंड देखिए एग्जांपल, हमारे पास 3 बर्ड हाउस हैं और सब में 5 बर्ड्स हैं। ठीक, अगर हमें पता करना है कि टोटल बर्ड्स कितनी हैं, तो हम कैसे करेंगे, 5 + 5 + 5 ऐसे करेंगे, या फिर हम कर सकते हैं 3 bird house into 5 birds = 15। तो इसको हम किस तरह रीड कर सकते हैं, 3 multiplied by 5 = 15, 3 times of 5 का मतलब हो गया गुना, 3 times of 5 is 15, या 3 5s are 15। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के 2 मेथड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन और लिखने के मेथड होते हैं बेटा। ये मल्टीप्लाई करने के कोई मेथड नहीं होता, मल्टीप्लाई तो हमें इसी तरह से टेबल पढ़कर ही करना होता है, ये लिखने का तरीका होता है। मल्टीप्लिकेशन को एक हम हॉरिजॉन्टल वे में लिख सकते हैं और दूसरा हम वर्टिकल वे में लिख सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग वे में हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन और स्टैंडिंग वे में वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक, जिस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, जिस नंबर को, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट। ठीक, द नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर, जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लिकेंट, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखा होगा वो होगा मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा प्रोडक्ट। ठीक, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन हम सीखेंगे, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन का साइन ये होता है डिवाइड, डिवीजन का साइन होता है ये डिवाइड। ठीक, डिवीजन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे हमारे पास काउंट करिए 12 बलून्स हैं, ये क्लाउन है, इसके पास 12 बलून्स हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, इनको 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 3 3 के ग्रुप में हमें इन बलून्स को डिवाइड करना है। ठीक, ये देखो, हमने 3 बलून्स यहाँ, रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, या हम कहें रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन को भी हम डिवीजन बोल सकते हैं। कैसे, देखिए, पहले हमारे पास 12 थे, 12 में से 3 का ग्रुप हमने बना दिया, यहाँ पे 12 थे, 3 का ग्रुप बना दिया, -3 हो गए, अब कितने बचे हमारे पास, अब हम यहाँ पे 9 बचे।
अब फिर इसमें हमने 3 का ग्रुप बना दिया, अब कितने बचे, यहाँ 6 बचे, फिर हमने 3 का ग्रुप बना दिया तो 3 निकल गए, और अब कितने बचे, 3, तो फिर हमने एक ग्रुप बना दिया, तो हमारे 3 3 के कितने ग्रुप्स बन गए, यहाँ पे 4 ग्रुप्स बन गए। आपने देखा हमने एक ही नंबर को बार बार मल्टी सब्ट्रैक्ट किया, पहले इसमें से 3 को किया क्योंकि हमने 3 का ग्रुप बना लिया था, तो जितने बचे हुए हैं उसमें से फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर जितने बचे हुए हैं फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर 3 बचे हुए हैं फिर ग्रुप बनाएंगे, जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम, या तब जब तक कोई रिमाइंडर नीचे नहीं, रिमाइंडर नहीं हमें मिलेगा तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, देखो प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। बार बार सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस को प्रोसेस करना, सब्ट्रैक्शन को बार बार सब्ट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है, डिवीजन। ठीक है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3। 12 बलून्स जो थे उनको 3 3 के ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया तो कितने ग्रुप्स हमारे तैयार हो गए, 4। आंसर क्या मिला हमें, 4। ठीक, अब ये देखो डिवाइड कुछ इस तरह से किया जाता है, जिस नंबर से डिवाइड हम करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइज़र। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, डिवाइज़र 3 से हमने डिवाइड किया 12 को और आंसर हमें क्या मिला, 4, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 0। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं यानी कि जो डिवीजन साइन के अंदर नंबर लिखा होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। जो हमें आंसर मिलता है उसे क्वेश्चेंट, और जो रिमाइंडर बचता है नीचे 0 या 1 2 3 जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको रिमाइंडर। ठीक है, अगर हमें वेरीफाई करना है कि क्या मैंने जो डिवाइड किया है वो सही है तो कैसे चेक करेंगे, डिविडेंड, ये एक फॉर्मूला होता है आप सब लोग याद कर लीजिएगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर, तो इसमें कभी भी ऐसा मत करिएगा कि पहले आप क्वेश्चेंट और रिमाइंडर को प्लस कर दें उसके बाद फिर उससे डिवाइजर से डिवाइड करें, नहीं, पहले डिवाइजर के नीचे डिवाइजर लिखिएगा, क्वेश्चेंट के नीचे क्वेश्चेंट, रिमाइंडर के नीचे रिमाइंडर, उसके बाद जो भी साइन है मल्टीप्लाई और प्लस के वो लगा दीजिएगा। फिर पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा, सपोज करो 3 4 12 ये आ गया, देखिए पहले इसमें भी पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर हम रिमाइंडर को प्लस करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0, फिर हमने 12 के साथ 0 को प्लस किया और आंसर क्या आया हमारे पास, 12, और हमारा डिविडेंड क्या था, 12। इट मीन्स हमने अपना जो डिवाइड किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, ये देखिए एक और एग्जांपल, यहाँ डिवाइज़र है 3 और डिविडेंड है 16। अब हमने 3 से जो है 16 को डिवाइड किया तो 3 5 15, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 1, और क्वेश्चेंट क्या हुआ, 5। ठीक, अगर हम इसको भी वेरीफाई करना चाहें तो 16 हमें निकालना है, कैसे, 3 × 5 15, 3 5 15 प्लस रिमाइंडर 1, 15 + 1 16, तो इट मीन्स कि हमारा ये भी करेक्ट है। ठीक, ओके, तो आप क्या करना है, आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक, ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।